हेलो। हाँ जी भाई, सत श्री अकाल। और सुनाओ की हाल चाल। मैं एक ना ट्रिमिंग करन लगा इन्हां दी, ते मैं चलो छोटा जिहा मैसेज या वीडियो बनाउंदा इक। ट्रिमिंग मतलब कि लोकी करदे ने जदों मतलब मुर्गी दे फाइट करन दे टाइम ते, जदों इन्हां दे नहुं टुट जांदे ने, कंडे टुटे जाते हैं, नोक टुट जाती है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती मुर्गे वास्ते भी, क्योंकि ये नौ नोक दे पिछे सेंसिटिव जी होंगी है, नरो जी होंगी है ना, नरो सेंसिटिव जिन्होंने जी सेंस कराती है ना, वो बहुत ज़्यादा होंगे ने, तो जिदे करके इन्हों दर्द तो बहुत होंगी, पर ये उस टाइम फाइटिंग मूड होंगे तो ये उस चीज़ में तो बर्दाश्त कर जाते। पर उस तो बाद इन्हां दी रिकवरी जिहड़ी बहुत मुश्किल आ। हुण मुर्गे दी नोक टुट जाए जां उतला सिरका लग जाए, तो वो चीज़ रिकवर करनी औखी हो जाती। नोक टुट जाए तो जानवर तकरीबन खराब ही हो जाता, क्योंकि मेन मूँह ही खराब हो गया, फिर दाने खाने की प्रॉब्लम, ठीक होने की प्रॉब्लम। लोग वो चीज़ का ना गांह दे गांह नुकते लभी जाते भी नोक टुट गई तो की कहड़ा कीड़ी दवाई उत्ते लाउणी, कीड़ी खाने देनी, तकरीबन ओवरडोज ही हो जाती है। एक तो बेचारा परेशान होंदा, उसकी आपां परेशानी होर वधा दिंदे हां। मैं चीज़ का नवा तरीका लगा कि ये 150 नंबर रेक मार, वाटर प्रूफ रेक मार, ये मैं 8वां ही साल आया, 15-12 रुपए का एक रेक मार हूँ, तो मैं 20 दिन बाद या महीने च 1 दिन ला लो ये मुर्गे के नौ कंडे उन्होंने हल्का हल्का रेक मार ला दिना। उन्होंने कहना कि जी डेड स्किन होंगी असल जेडे जिन्ना तो नौ नोक की ग्रोथ नॉर्मल हैगी वो तो नोक है, जिहड़ी उस तों वध होई नहीं आपां डैड स्किन कहिंदे, जिहड़ी है डैड है, चाहे नोक झरियां वाली हो जाए, चाहे नोक मोटी हो जाए, चाहे नोक सीधी हो जाए, चाहे पतली हो जाए, चाहे लंबी हो जाए, चाहे छोटी हो जाए, जिते डैड स्किन आई नहीं जदों नोक भरनी उन्होंने तो योर लाउणा, तो सारा प्रैशर जिहड़ा इहदे पिछले पॉइंट ते आ जांदा, तो नोक उखड़ जांदी है। सेम नौवां नाल भी इहो कुछ हुंदा, कंडिआं नाल भी सेम इदां हुंदा, कंडे जिन्ने लंबे हुंदे जांदे ने उह उन्ने कमज़ोर हुंदे जांदे ने, जदों सट वजदी है तां उह पिछे टुट जांदे ने। कई बार जानवर अपने पैर लत्तां मार के अपने तोड़ लेंगे, और वो मुर्गे अपने भी मारते, जब मुर्गियां जोड़ करते उदों भी वो कंडे उनके लक च बजे होंगे मुर्गियों के, तो मुर्गियों वास्ते बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण, क्योंकि कई दिन कई बार 10-12 दिन कई बार तो जोड़ होना, जिन्नी बारी जोड़ करता उन्नी बारी बेचारी के लक च कंडे बजते, तो बेचारियों को परेशानी बहुत होंगी है। मैं तो एक सौखा जहा तरीका लगा कि 20 दिन बाद या महीने बाद, अगे मैं 2 मुर्गियों के कर चुका हूँ, यह है यदा मैं लगा ही करते, मैं चलो छोटी जी वीडियो बनाने एक ते इन मुर्गे नूं मैं ऐं बिठा लिया आराम नाल, कंडे दे बिल्कुल गोल ने, पर जिहड़ी डेड स्किन हुंदी है ना नौवां दी वो बहुत खतरनाक हुंदी, क्योंकि डेड स्किन दे विच इनफेक्शन बहुत ज़्यादा रहिंदा, बिठा बिठा फसियां रहिंदियां, जिहदे करके स्किन खराब हो जाती, स्किन खराब हो जाती, नाखून खराब हो जाते हैं, फिर ये नाखून नाल आ जिहड़ी चमड़ी है ये खराब हो जाती है, डेड हो जाती है, फिर जदों माड़ा जिहा जानवर पक्की जमीन ते रहे जां लड़े जां झगड़े फिर वो खराब हो जाते हैं। तो इस करके आ देखो मैं नौ फड़िया, आ 150 नंबर रेक मार, दो जी थोड़ा जि उत्ते लाता रेक मार ता कि इनू सप्लाई वध जाए, ब्लड सप्लाई नाखून मजबूत रहिंदे ने, जो आप थोड़े जे इनू उत्ते ला देना एक बार, इहदा उतला निकल जिहड़ा एनैमल हुंदा वो लथ जांदा, जो एनैमल लथ जांदा तो बॉडी पूरा जोर लाउंदी दोबारा एनैमल बनाउंदी, जो एनैमल बनाउंदी आ तो फिर वो पूरी न्यूट्रिशन लैके पहुँचती आ नाखूनों ते नहुआं ते कंडियां ते, फिर उन्हां दी मजबूती वधदी जांदी है। तो मेरे ख्याल नाल इह चीज़ जिहड़ी है बड़े आराम के नाल जिवें रेत भुर दी जांदी आ उदा हुण लोग करते हैं। मैं बड़े लोगों ने वेख्या वीडियो वेख जां बेवकूफ पा देंगे ने कि मुर्गे के कंडे किदां वढ़ने, वो चाकू लैके गर्म करके जां आरी लैके वढ़ देंगे, तो कहिंदे आ कि गंजी खुरके ना तो खुरके ना खुरकन लगी तो लहू ही कढ लिया, जानवर का खून कढ देंदे ने, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह करन वाले जानवर, अज मेरी छुट्टी आ संडे आ, तो मैं जिन्ना आराम ना करूँगा ना मुर्गा उन्ना ही मज़ा लेंदा इस चीज़ का,
ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਲ ਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।